नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया से भाषण खत्म करके जा चुके हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कुछ नौजवान जी। और नाम बताइए अपना। माय नेम इज अक्षय कुमार, माय फादर्स नेम इज रवि प्रताप, मैं गुरुआ थाना से। मैं तो खाली उतना ही तुमको नाम बताना आता है अंग्रेजी में, बाकी कोई बाकी सब समझेंगे नहीं ना। बाकी सब समझेंगे नहीं। क्या क्या सुने, क्या क्या हासिल लेके जा रहे हो? सुना कि मैंने अगला पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे, चौकीदारी? नहीं, चौकीदारी नहीं करेंगे। लिखा है तो मोदी जी ने बुलवा के कहे कि मैं भी चौकीदार, घर घर चौकीदार। जो काम पढ़ाई लिखाई करके चौकीदारी कहे नहीं करेगा? चौकीदार मैंने सबको बोले हैं, जो काम करने के, जो काम करता हूँ। चौकीदारी के मतलब ईमानदारी सर, असल में जहाँ भी रहे, जो भी नौकरी में रहे, चाहे जिसमें भी पद पे रहे, वो एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हो चाहे एक एक नंबर अफसर हो, वहाँ चौकीदारी के मतलब ईमानदारी। अच्छा, समझ गए। मैं राजीव रंजन कुमार, राजीव रंजन कुमार गया कॉलेज की छात्र हूँ। अच्छा जी, गया कॉलेज किस यूनिवर्सिटी में आता है? मगध यूनिवर्सिटी में। मगध यूनिवर्सिटी का सेशन चल रहा है, 3 साल में पूरा हो जाता है? नहीं सर, 4 साल के, 4 साल 5 साल लग जाते हैं, लगभग 4 साल जी। इसको लेकर के चौकीदारी नहीं करते हैं आप लोग? तो सर हम लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन सर यूनिवर्सिटी पहले से भी सारा नेता लोग यही था, मुख्यमंत्री यही थे, प्रधानमंत्री यही थे। बिल्कुल सर। तो आप लोग आए थे रैली में, तो आप लोग खाली मोदी मोदी किए कि कुछ सवाल जवाब नहीं करवाए? नहीं तो सवाल जवाब तो हम सर जो लोकप्रिय सांसद अपना बढ़ाए नहीं पर्ची, अपने सांसद जिनको चुनेंगे उनको, जो सांसद हैं उनसे क्षेत्र में आ रहे हैं, गाँव आ रहे हैं, तो उनसे इस बात को रख रहे हैं। लेकिन सर संभव नहीं है कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को रखा जाए। अभी ये जो आजकल तो सब लोग फेसबुक चला रहे हो, फेसबुक सब चला लोग ट्विटर चला रहे हो, डायरेक्ट मैसेज होता है सीधे प्रधानमंत्री, तो उस पे आवाज उठाते हैं, उस पे आवाज उठा रहे हैं। क्या तैयारी करते हो पढ़ाई के अलावा? बीपीएससी की तैयारी करते हैं। बीपीएससी की जी, तो इस बार अटेम्प्ट लिया है एक बार? जी एक बार लिए हैं। क्या हुआ जी? पीटी नहीं हुआ इस बार। पीटी नहीं हुआ जी। कहाँ तैयारी करते हो रखे? गया में ही। गया में ही जी। गया में तैयारी का माहौल है? जी हाँ लगभग है सर, लगभग जी। अच्छा कैसे होगा? अच्छा होगा, यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में और यहाँ पे व्यवस्था किया जाए, स्कूलों कॉलेज जो है उसको और सुदृढ़ किया जाए, कंपटीशन के माहौल कायम किया जाए, समझ गए? तो सरकार को ये प्रयास करना चाहिए। ठीक है। और नौजवान कहाँ से है बाबू? हम गया टिकारी से हैं। हाँ, कौन लेके आया है? हम नहीं हैं, गया कॉलेज में एडमिशन है, यहीं पढ़ते हैं। कितनी उम्र हो गई? 17 वर्ष हुई है। इस बार इंटर का एग्जाम दिए हैं, फर्स्ट डिवीजन से पास। नहीं बना होगा तुम्हारा? नहीं अभी तक तो नहीं बना है। पहली बार वोट करोगे? हाँ हम पहली बार वोट करेंगे। पहली बार वोट करोगे, क्या अपेक्षाएँ हैं? अपेक्षा है कि जो यहाँ पे जो सभा हुई में हम लोग का बात नहीं सुना जाता है, हम भी पार्ट थर्ड का एग्जाम दे चुके हैं, हम लोग का भी नहीं अभी तक आया है रिजल्ट, उसके लिए भी हम लोग आवाज़ उठाए हैं, पर हम लोग का आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा। तो आप लोग फिर काहे रैली रैली दौड़ते हैं? रैली दौड़े नहीं, ये तो आ गए ऐसी मतलब टाइम पास के लिए। टाइम पास के लिए सुनने, सारे नेताओं को, बड़े नेताओं को सुनने सुनने। हाँ ठीक है। और क्या करते हैं पढ़ाई लिखाई में? पढ़ाई लिखाई में हम जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। जनरल कंपटीशन का वैकेंसी आ रहा है? हाँ, वैकेंसी कहाँ आ रहा है? कहाँ, 4 साल तो कोई वैकेंसी ही नहीं आया। बार जब मोदी सरकार आई थी कहते कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, ऐसा कुछ वादा पूरा हुआ? कुछ भी नहीं वादा किया, 1% भी उनका वादा। एक अब तो बोल रहे हैं कि चौकीदार बन जाओ सब लोग। नहीं हम लोग तो नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। नहीं नहीं वो बोल के गए हम, बस वो बोल के गए, उनका काम था वो बोल कर गए। अब रोजगार के मौके नहीं आए कुछ? कुछ नहीं रोजे मौके आए। इस बार ऐसे बड़े बड़े नेताओं को सुनने आते हैं। LLP का फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन हुआ था, पीटी निकला था, पर मेंस तो नहीं हो पाया अभी। ठीक है। और भाई आ गया, क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। कहाँ? गया कॉलेज। गया गया कॉलेज। तुम्हारा भी सेशन लेट है? हम अभी पार्ट 2, सेशन मेरा साल भर लेट चल रहा है। साल भर लेट चल रहा है। तो इसको लेकर के कैंपस में पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स नहीं होती है, इस पर राजनीति नहीं होती है? पॉलिटिक्स शिक्षा में कोई पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है। सिर्फ तो चलना चाहिए ना, छात्र राजनीति होती है, बेहतर छात्र राजनीति हम लोग होनी चाहिए। हम लोग आंदोलन किए और करते भी रहे। यूनिवर्सिटी में कहते यूनियन यूनियन भी है ना? हाँ यूनियन है, छात्र यूनियन, ABP है, जनता दल यूनाइटेड है, छात्र जदयू है, सब लोग करता है राजनीतिक, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, चल रहा से चल रहा। तो इसकी उम्मीद है आप लोगों की, आप लोग अपनी ओर से कोई सक्रियता बरत रहे हैं? कुछ नहीं, गुहार लगा रहे हैं कहीं नेता मंत्री के पास? नेता मंत्री रैली रैली दौड़ रहे हैं? नेता मंत्री बस
गुहार लगाने से कोई सुनता है? हाँ ठीक है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौतम। तो ये गौतम थे और हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया में रैली के बाद द बिहार मेल के लिए। मैं विष्णु नारायण। छात्रों नौजवानों की उम्मीदें नहीं पूरी हो रही हैं, कोई सरकार उनके पक्ष में काम नहीं कर पा रही है। नरेंद्र मोदी अभी तुरंत भाषण खत्म करके यहाँ से गए हैं, नीतीश कुमार भी मौजूद थे। 86,000 मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों की डिग्री इस समय फंसी हुई है, उस पर भी नरेंद्र मोदी से भी अपेक्षा है और नीतीश कुमार से भी अपेक्षा है कि वो उस पर काम करें। द बिहार मेल के लिए मैं विष्णु नारायण, धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर लें चैनल।